अगले 10 वर्षों में हम खुरई को गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से मुक्त कर एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। ऐसा आदर्श क्षेत्र बनाएंगे जहां समाज का हर नागरिक आदर्श हो, हरियाली और आच्छादित शराब जैसी बुराइयों से मुक्त हो। खुरई बनाना हमारा संकल्प है। यह उद्गार नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने खंगार क्षेत्रीय समाज के लिए 50 लाख की लागत से निर्मित मांगलिक भवन का लोकार्पण करते हुए व्यक्त किया। खुरई के माता शबरी वार्ड में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी ने आज महाराजा खेत सिंह खंगार मांगलिक भवन सहित 1 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें से 30 लाख की कार्यों का लोकार्पण हो चुका है, जिसमें से 30 लाख की लागत से माता शबरी उद्यान और 20 लाख की लागत से वार्ड का सीसी रोड भी लोकार्पण हुआ। मंत्री श्री सिंह ने इस अवसर पर मांगलिक भवन प्रांगण में 1 माह के भीतर महाराज खेत सिंह खंगार की भव्य प्रतिमा, शेर और बाउंड्री वॉल, पार्क में बच्चों के खेल व मनोरंजन के उपकरण, माता सिंह वाहनी और उनके मंदिर में हाल का निर्माण करवाया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हमारी डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं है, आपको जो आवश्यकताएं होगी आपका भाई और बेटे की तरह मैं पूरा करूंगा। इसके पूर्व महाकाली टिन शेड परिसर में आयोजित समारोह में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पीएम आवास के 500 हितग्राहियों के खातों में 1-1 लाख रुपए की किश्त के कुल 5 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सिंह ने बताया कि खुरई नगर पालिका क्षेत्र में अब तक 9,928 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से 6,100 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। शेष 3,000 पीएम आवास अगले 2 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 20 जुलाई के पूर्व खुरई में दिन भर का विशाल वृक्षारोपण अभियान चलेगा, जिसमें एक साथ हजारों वृक्ष पौधारोपित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में सभी सड़कों के किनारे जो वृक्ष लगाए गए वे सफलता से उग गए। वंदे भारत न्यूज़ के लिए संवाददाता पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। छत्री गंगार समाज का कार्यक्रम किया गया लोकार्पण समारोह, सर क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे राय समाज का यहाँ पर 50 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का लोकार्पण हुआ है। साथ में माँ सबरी के नाम से 30 लाख की लागत से एक पार्क बना, उसका भी लोकार्पण हुआ है। एक मार्ग बना है 20 लाख की लागत से, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और आज राय समाज के सम्मेलन हुआ है, जिसमें सभी समाज के लोग क्षेत्र के आए हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो देवी जी का मंदिर है, मंदिर में भी बहनों की सुविधा के लिए एक हाल बनाने का हमने आदेश दिया है। सामने एक कॉलोनी है, वहाँ पर भी रोड बनाने का हमने आदेश दिया है। तो इस तरह से खुरई लगातार विकास में आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आज खुरई में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा महाकाली टीन सेट जो प्रांगण है, उस प्रांगण में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनाए गए उनके हितग्राहियों के लिए एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से आवास की राशि का ट्रांसफर किया गया, उनके खातों में भुगतान किया गया। साथ ही साथ आज खुरई में खंगार क्षेत्रीय समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। इसके साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह जी ने मंच से अपने संबोधन में समाज के लिए विभिन्न जो मांगे समाज की तरफ से रखी गई थी, उन मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया है। इसके साथ आज जो है खुरई सिविल अस्पताल में रोगी कल्याण समिति RKS आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री जी के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। हमारे साथ कुछ सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राम रतन सिंह ठाकुर जी। आज आपने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को ज्ञापन दिया है, क्या मांग आपकी है, किस मांग से संबंधित आपने ज्ञापन सौंपा है? जी, हम लोग विगत 5-6 वर्षों से एवं उससे भी ज़्यादा 8-10 वर्षों से कुछ कर्मचारी हमारे सिविल अस्पताल खुरई में लगातार सेवाएँ दे रहे हैं, जिन्होंने कि कोविड काल में अभी निरंतर सेवाएँ दी हैं। और हमारे कर्मचारियों के लिए कलेक्टर रेट से भी कम वेतन दिया जा रहा है। हमारे ऐसे 30 से 40 कर्मचारी हैं लगभग, जो रोगी कल्याण समिति एवं आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं बाकायदा,
उनका ना पीएफ काटा जा रहा है, ना उनका भविष्य सुरक्षित है। इसलिए आज हमने हमारे नगरीय एवं प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर के लिए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये लिखा है कि आउटसोर्स एवं आरकेएस रोगी कल्याण समिति कर्मचारी हैं जो खुरई में हमारे 30 से 40 कर्मचारी हैं जो विगत 5-6 वर्षों से लगातार निरंतर सेवाएं दे रहे हैं सिविल अस्पताल में। जब निश्चित रूप से ये जो कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने कोरोना काल में कोविड में अपनी जान की परवाह किए बिना निरंतर कार्य किया और निरंतर आम जो जनमानस की सेवा में लगे रहे। तो जो इनकी मांग थी, आज नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने इनकी मांगों को सुना एवं आश्वासन भी उनको पूरा करने का दिया गया है। वंदे भारत न्यूज़ के लिए कुरई से कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट।